सबसे पहले मंच पे मंचासीन सभी मंचासीन व्यक्ति जिसमें उपस्थित है हमारे चार्ल्स कंप्यूटर के डायरेक्टर अरुण सर, भूतपूर्व जिला परिषद प्रतिनिधि त्रिंदर बैठा जी, भूतपूर्व मुखिया जी एवं पंचायत समिति। मैं आप सभी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं इस मंच पर, यहां के सभी ग्रामीण जनता। मैं इस प्रतिभा को बढ़ाने वाले यूनिक कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर मीनू शर्मा जी को जितना तारीफ करूं, जैसा कि अरुण सर ने कहा जितना तारीफ की जाए वो काफी कम है, क्योंकि आज के जमाने में शिक्षक बनना बहुत कठिन है, क्योंकि आज के जमाने में बच्चे कॉपी किताब से नहीं पढ़ते, मोबाइल से पढ़ते हैं। और एक जनरेशन ऐसा भी आएगा, एक हेरिडिटी और जेनेटिक्स ऐसा भी आएगा जिसमें बच्चों का अंगूठा लंबा हो जाएगा मोबाइल को इंस्टॉल करते करते। शिक्षक बनना पहले आसान था, अभी टफ है, क्योंकि अगर शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा है तो सभी बच्चे के पास मोबाइल है, और जहां शिक्षक कुछ गलती बोला तो बच्चे ने तुरंत मोबाइल लेकर दिखा दिया, देखिए सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में मीनू जी ने शिक्षा की ओर कदम बढ़ाया कि हमें शिक्षक बनना है, ये काफी तारीफ काबिले तारीफ बात है। अगर मैं शिक्षा और शिक्षक के बीच में डिफरेंस क्रिएट करूं तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है कि ज्ञान को प्रसारित करना, बच्चे के रुचि के अनुसार उसके दिमाग में ज्ञान को डालना, नई नई तकनीकी के अनुसार बच्चे को उस ज्ञान की ओर अग्रसर करना। और मैं शिक्षक का शाब्दिक अर्थ बताऊं तो शिक्षक का शाब्दिक अर्थ एक ही हो सकता है कि बच्चे के दिमाग में शिक्षा का लहर दौड़ाना, जुनून पैदा करना। अगर बच्चे के दिमाग में शिक्षा हासिल करने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए अगर जुनून नहीं आया तो फिर आप कुछ भी उसको पढ़ाते रहिए वो कभी नहीं सीख पाएगा। सबसे पहले उसको शिक्षा की ओर, ज्ञान की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं आप। अगर बच्चे एक्टिव नहीं है, क्लास में एक्टिव नहीं है, तो आप कितना ही बोर्ड पे पढ़ा लीजिए वो कभी कुछ चीज को हासिल नहीं कर सकते हैं। एक अच्छा शिक्षक का कर्तव्य होता है, एक अच्छे शिक्षक का कर्तव्य होता है कि सबसे पहले उस बच्चे को, जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, उस बच्चे के अंदर जुनून आया कि नहीं, कि वो पढ़ना चाहता है या नहीं चाहता है। शिक्षा केवल एक विज्ञान और मैथ पढ़ना ही नहीं होता है, शिक्षा डांसिंग का भी होता है, शिक्षा सिंगिंग का भी होता है, शिक्षा जिमिंग का भी होता है, शिक्षा फिजिकल का भी होता है। वो किस चीज में जाना चाहता है, अगर उसे मैथ पढ़ने का शौक नहीं है तो आप उसको मैथ पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब अपने कर्तव्य से भटक रहे हैं। वो क्या बनना चाहता है, वो क्या जानना चाहता है, अगर उसके अनुसार आप उसको पढ़ाते हैं तब एक अच्छे शिक्षक का कर्तव्य निभा रहे हैं आप। यहां पर बहुत ज्ञानी लोग बैठे हैं, मैं केवल शिक्षा और शिक्षक का शाब्दिक अर्थ समझा रहा हूं। और एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए एक चीज, क्योंकि अरुण सर और हम भी, हम लोग तो 8-9-10 साल से कोचिंग लाइन में हैं और 10 साल से शिक्षा क्षेत्र में हैं, इन लोग तो अभी आगे बढ़ ही रहे हैं, तो सिंपल सा एक ही मैं बताऊंगा, अच्छा शिक्षक कैसे बने। अच्छा शिक्षक बनने के लिए एक चीज को फॉलो कीजिए, बच्चे को जिस चीज को पढ़ा रहे हैं आप उसको अगर प्रैक्टिकली उसको दिखा दें तो रटाने से ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप किसी बच्चे को गरीबी के बारे में पढ़ा रहे हैं कि गरीबी क्या है तो नहीं समझेगा, अगर उसको गरीबी का प्रैक्टिकल चीज दिखा दें, अगर गरीब के जहां पे गरीब का क्या बोलते हैं
मोहल्ला है वहां पे बच्चों को दिखा दे जाकर, देखो गरीब कैसे होते हैं, तो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि गरीब कहते किसको है। तो बच्चे का पढ़ाई प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो आज नई दुनिया में मीनू जी ने शिक्षक बनने का जो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, जिम्मेवारी लिया है, वो बहुत काबिले तारीफ है। क्योंकि प्रोग्राम विलंब की ओर जा रहा है, तो एक बात मैं मीनू जी के लिए बोलना चाहूंगा, जो विवेकानंद ने कहा था कि यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ। ये मीनू जी के लिए है। जब तक आप अपने आप पर विश्वास नहीं रखते हैं, आप ईश्वर पर भी भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखकर, और ईश्वर को भरोसा रखना ही है, अपने ऊपर भरोसा रखकर आगे बढ़ते रहिए। हम सभी आपके साथ हैं। आपको किसी भी मोड़ पर अगर हमारी आवश्यकता पड़े तो बेहिचक हमको बोले, मैं आपको मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।